दोस्तों अप्रैल 2017 में टेस्ला का मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो गया है, फोर्ड और जनरल मोटर्स से भी ज्यादा। जहां पर पिछले वर्ष 2016 में फोर्ड ने 675 मिलियन डॉलर का लॉस किया, और वहीं पर 2016 में फोर्ड ने लगभग 9.4 बिलियन का प्रॉफिट किया, और वहीं 2016 में जनरल मोटर्स ने 4.6 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट किया। अब क्या हुआ था 2017 में ताकि ये टेस्ला इतना प्रॉफिट कमा लिया है? अभी का टेस्ला का टोटल मार्केट वैल्यू है 50 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। तो क्या हुआ था? तो टेस्ला का क्या सेल ज्यादा बढ़ गया? नहीं, क्योंकि 2016 में फोर्ड ने सेल किया 17.5 मिलियन कार्स, और तो ही 2016 में जनरल मोटर्स ने सेल किया 10 मिलियन कार्स, और टेस्ला ने जहां पर सेल किया सिर्फ और सिर्फ 76,000 कार्स। तो इसके पीछे मसला क्या है? व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट? चलो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। दोस्तों टेस्ला ऑटोमोबाइल के मार्केट में खलबली मचाने वाले हैं। हालांकि भारत में इसका प्रभाव इतना नहीं है, यूएस में इसका प्रभाव शुरू हो गया है। अभी तक का जो टेस्ला का नया मॉडल आ रहा है 2018 में, 18 का शुरुआत में जो मॉडल 3 आ रहे हैं, उसका 4 लाख प्री ऑर्डर्स हो गया है। 4 लाख प्री ऑर्डर्स दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा है। प्री ऑर्डर्स करने के वक्त $2,500 पे करना पड़ता है, और प्री ऑर्डर के समय आप उसको कस्टम डिजाइन भी कर सकते हो, उसके मुताबिक वो कार मैन्युफैक्चरिंग होगा। अभी का जो नया मॉडल आ रहा है वो एज कंपेयर टू द प्रीवियस मॉडल्स वो बहुत ही चीप, बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है। यूएस में जो टेस्ला कार को चार्जिंग करने का जो स्टेशन है उसको सुपर चार्जिंग स्टेशन कहते हैं। दोस्तों वहां पर कोई भी टेस्ला कार ओनर फ्री में चार्ज कर सकता है। इसके लिए जो टेस्ला कंपनी है वो कोई चार्ज नहीं लेता है। दोस्तों टेस्ला को देखकर वो बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, मर्सिडीज, फोर्ड, जनरल मोटर्स ये भी सोच रहा है कि वो भी इलेक्ट्रिक कार बनाए। वो भी इलेक्ट्रिक कार बनाने के जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों अगर ऐसा हुआ कि मार्केट में ज्यादा इलेक्ट्रिक कार आ गया तो हमारे जो फ्यूल प्राइस है उसके ऊपर प्रभाव होगा, क्योंकि दोस्तों अगर इलेक्ट्रिक कार ज्यादा आ जाए तो फ्यूल के डिमांड घट जाएगा। अगर फ्यूल के डिमांड अगर घट जाए तो फ्यूल के प्राइस भी घट जाएगा। लेकिन कितने दूर तक क्या हो रहा है ये किसी को भी कोई मालूम नहीं है। लेट सी। दोस्तों टेस्ला जब पहली बार आया सभी बहुत सारे लोग जो है वो मजाक उड़ा रहे थे कि टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बहुत कमजोर है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता है। तब से लेके आज तक दोस्तों लोग बोल रहे थे कि ये टेस्ला वेस्ला नहीं चलेगा। आज देखिए दोस्तों टेस्ला कहाँ तक पहुंच गया। टेस्ला इस सेंचुरी का एक नया ब्रांड है। ठीक इसी तरह जब एंड्रॉइड मार्केट में पहली बार आया तब नोकिया का सिम्बियन था, आईफोन था, ब्लैकबेरी था। लेकिन अब देखिए एंड्रॉइड को, एंड्रॉइड एक सिर्फ मोबाइल के ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। ठीक इसी तरह ये जो टेस्ला है, टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम वो फैला रहे हैं। अभी तक तो इसका प्रभाव भारत में इतना ज्यादा नहीं है, इसका प्रभाव अब यूएस में शुरू हो गया है, अब नेक्स्ट में और भी होगा। अगले 5 या 10 साल में टेस्ला कहाँ पहुंचेगा इसी ये तो किसी को मालूम नहीं है। टेस्ला जो कर रहा है वो तो हमारे सोच से भी बाहर है, क्योंकि टेस्ला सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग के पीछे ही नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। टेस्ला गीगा फैक्ट्री नाम का एक फैक्ट्री बना रहे हैं यूएस के निवाडा डेजर्ट में, जहां पर दोस्तों वो अपना बैटरी शेल बना रहे हैं। वो शेल एक पूरा सिटी को या फिर एक पूरा आइलैंड को लाइट अप कर सकता है, ऐसे सुना गया है। दुनिया में अगर ऐसे गीगा फैक्ट्री 100 बन गया, 100 ऐसे 100 गीगा फैक्ट्री बन गए तो वो पूरे दुनिया को लाइट अप कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। आप सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।